गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ योर भागवत मैडम फॉर सिंपल फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड द सिलेबस इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वी हैव टू स्टडी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बोथ रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप्स एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। सो दिस इज अवर सिलेबस। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस our first topic is microscope, but before to start microscope we have to learn some of the definition। kuch definitions ko samajhna humko zaruri hai, usme se first jo definition hai, kyunki hum ye wala chapter ek nayi tarah se naye roop mein pad rahe hain, ye aapko samajh mein aa raha hoga, hum directly book se aaj pad rahe hain is chapter ko, to humko सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ डेफिनेशन जो पढ़नी है वो है, देखिए सबसे पहली डेफिनेशंस हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि हमारी आई या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिस डिस्टेंस तक क्लियरली देख पाती है, वो मिनिमम या वो लीस्ट डिस्टेंस जहाँ तक कि हमारी आई या कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियरली देख पाता है या दिखा सकता है, वो डिस्टेंस कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, और ये एवरेज डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। सो वॉट इज़ इट्स डेफिनेशन? A least distance up to which an object can be seen clearly is called least distance of distinct vision, represented by capital D, which is nearly equal to 25 centimeter. अब ये जो distance है, एक और हमको definition पढ़ना है कि the point at maximum distance up to which an eye can see clearly is called far point. अब ये जो हमने least distance पढ़ा है, इस least distance का जो point होता है जो कि 25 सेंटीमीटर से होता है हमारी आँख से या optical instrument से किसी से भी, वो जो है कहलाता है near point. अब जिस तरह से एक near point होता है उसी तरह से एक far point होगा, मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियरली देख सकता है, वो डिस्टेंस या वो पॉइंट जो है वो कहलाता है फार पॉइंट। सो ये हो गया नियर पॉइंट, ये हो गया फार पॉइंट, और इन दोनों नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेंज ऑफ विजन। द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। सो जो मेन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है डेफिनेशन, दैट इज विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जिससे नाम से ही हमको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो एंगल जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्लियरली, वो कहलाता है विजुअल एंगल। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको बहुत अच्छी पास में और क्लियरली दिखाई दे रही है, और उतनी ही हाइट की कोई दूसरी ऑब्जेक्ट अगर हमको दूर दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि दोनों के विजुअल एंगल में फ़र्क है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर विजुअल एंगल कम है तो वो ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर और छोटी दिखाई देती है, और अगर विजुअल एंगल ज़्यादा है तो वही ऑब्जेक्ट अच्छी क्लियरली और पास दिखाई देती है। सो व्हाट इज़ अ विजुअल एंगल? द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई और एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड विजुअल एंगल और एंगल ऑफ विजन। कोई भी ऑब्जेक्ट आई पर या किसी इंस्ट्रूमेंट पर जितना एंगल सबटेंड करती है, जितना एंगल बनाती है, वो कहलाता है उसका विजुअल एंगल। सो लार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट ऑन आई। सो
सो किस अभी जब जैसे मैंने समझाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लार्ज और स्मॉल साइज में दिखना वो किससे तय होता है कि उसने कितना विजुअल एंगल हमारी आँख पे या इंस्ट्रूमेंट पे ड्रॉ किया है। इसको इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी आय है, एक रफ ड्रॉ किया गया है। ये आई लेंस हैं, इसके सामने दो ऑब्जेक्ट्स रखी हैं ए बी और ए डैश बी डैश। सो ए डैश बी डैश हमारे आय पर, या हम कह सकते हैं ये रेटिना होता है जहाँ से हमको क्लियरली दिखता है, रेटिना पे इमेज बनती है। तो रेटिना पे देखिए इस ये एंगल जो है बन रहा है बीटा, ठीक है, ए डैश बी डैश के द्वारा। वही एंगल दूसरी कोई ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि सेम लेंथ की है वो बनाती है अल्फा। सो यहाँ हमको क्लियरली समझ में आ रहा है बीटा ग्रेटर देन अल्फा। अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा है दैट मीन्स विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ए बी। सो ए डैश बी डैश विल अपेयर लार्जर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए बी। मतलब ए डैश बी डैश उसके लार्जर विजुअल एंगल की वजह से बड़ी और क्लियर दिखाई देगी एज कम्पेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट ए बी। सो दिस इज विजुअल एंगल। एक और डेफिनेशन हमको पढ़नी है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, मैग्नीफिकेशन हमने पहले के वीडियोस में और पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़े से बड़ा करके दिखा सकता है वो एबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट की कहलाती है मैग्नीफाइंग पावर। सो the image formed by it is how much larger than the size of the object, this ability is called its magnifying power, and the magnifying power jo hai uska mathematical formula hota hai angle subtended by an image on I which is represented by beta divided by angle formed or subtended by an object when it is kept at least distance of distinct vision। और ये visual angle subtended जो है उसको हम represent करते हैं alpha से। So magnifying power is equal to होता है beta upon alpha। So ये तीन definition आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले हमने पढ़ी है least distance of distinct vision, सेकेंड हमने पढ़ा है विजुअल एंगल, एंड द थर्ड वन इज मैग्नीफाइंग पावर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स वेरी टाइनी एंड स्कोप मीन्स विजन, मतलब देखना। सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने सामने रखी हुई बहुत छोटी टाइनी ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत क्लियरली करके शो करता है, क्लियरली दिखाता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्टिकल मींस रिलेटेड टू लाइट, मतलब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हमारी आंख तक पहुंचती है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो माइक्रोस्कोप इज दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच द ऑब्जेक्ट kept nearby can be seen in magnified form। बहुत अच्छी तरह से क्लियरली दिखाई देती है, जैसे कि एक सेल है बहुत स्मॉल होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो कि हम क्लियरली अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं दैट कैन बी सीन वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? Its working principle is when an object is situated at the distance less than least distance of distinct vision D, then it does not look clearly by a convex lens।
सॉरी डज नॉट लुक क्लियरली बाय अवर वेकेंट आई, बट विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट्स लार्जर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इन्फिनिटी, सो द मैग्निफाइड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड. इसका ये मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी, कैपिटल डी से कम डिस्टेंस पे रखी हो, तो उसको हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं अपनी आँख से. तो एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ अगर किया जाए और उस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, तो उसकी लार्ज इरेक्ट और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है उसी तरफ. सो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल. नाउ मैग्नीफाइंग पावर. अभी हमने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा था. द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय आई ऑन एन इमेज बाय एन इमेज डिवाइडेड बाय द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर. सो मैग्नीफाइंग पावर सिंबल इज स्मॉल m, इट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. अब ये जो मैग्नीफाइंग पावर है किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए, वो हमको दो कंडीशन में फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जो फाइनल इमेज बनती है जब वो लीस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म होती है, उस केस में हमको मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है. एंड सेकेंड केस, When image is formed at infinity, मतलब जब image, final image infinity पर form होगी, उस case में हमको magnifying power find out करना है. तो हर एक optical instrument के लिए हमको इन दो conditions में magnifying power find out करना है. अब ये जो हमने microscope पढ़ा है, this microscope is basically of two types. फर्स्ट जो है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा माइक्रोस्कोप जो बहुत सिंपल है, मतलब एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो कॉन्वेक्स लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप के काम आता है. दैट मीन्स कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग लेंस जिसको हम कहते हैं, वही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है. सो द सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ विच इज फिटेड इन अ फ्रेम विद अ हैंडल. इसको इस तरह से गोल फ्रेम में फिट किया जाता है जिस, और एक हैंडल होता है उसमें, जिससे कि हाथ में लेकर उसको क्लियरली देखा जा सकता है. जैसे कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में अगर बहुत स्मॉल लेटर्स हैं जो हमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उन स्मॉल लेटर्स को वो रीडिंग लेंस की हेल्प से क्लियरली देखा जा सकता है, बड़ा करके देखा जा सकता है, वही सिंपल माइक्रोस्कोप है. अब इसके आगे का प्रिंसिपल, वर्किंग रे डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर इन बोथ द कंडीशंस, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो Till then, goodbye and good day.